हे दोस्तों, फिल्में देखना तो हम सभी को पसंद होता है और थिएटर में जाकर फिल्में देखने का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन थिएटर में फिल्में देखना आज के समय में काफी महंगा हो गया है। दरअसल मल्टीप्लेक्स थिएटर में फिल्में देखना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन वहां मिलने वाली खाने पीने की चीजों की कीमतें हम सभी को अखड़ती हैं। थिएटरों में दर्शकों को बाहर से कुछ भी खाने पीने की चीजें लाने की परमिशन नहीं होती। जो भी लेना होता है उन्हें थिएटर के अंदर से ही लेना पड़ता है और थिएटर के अंदर ये चीजें काफी महंगी मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी आखिर क्या वजह है जो थिएटर के अंदर मिलने वाली खाने पीने की चीजें इतनी महंगी होती हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह के बारे में। अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ के थिएटर में टिकट की बिक्री से जो भी कमाई होती है उसमें से करीब 90% प्रोडक्शन कंपनी को चला जाता है और थिएटर के पास बहुत कम कमाई बचती है। इस कारण से वहाँ मिलने वाली खाने पीने की चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, ताकि दर्शकों के जरिए वे अपनी कमाई की भरपाई कर सकें। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ के थिएटरों के साथ ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसी क्या वजह है जो बाहर मिलने वाली खाने पीने की कीमतों में और थिएटर के अंदर मिलने वाली इन चीजों की कीमतों में इतना अंतर होता है? दरअसल भारत के मल्टीप्लेक्स वहाँ लगने वाले खाने पीने की स्टॉल्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी तीसरी थर्ड पार्टी को देते हैं और वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाने के चक्कर में इन चीजों की कीमतें कई गुना बढ़ा देती हैं और हमें मजबूरन उन कीमतों में उन चीजों को खरीदना पड़ता है। लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम मल्टीप्लेक्स और ऐसी कंपनियों को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। मल्टीप्लेक्स की एक व्यापारिक सोच होती है कि अगर कोई इतने रुपए की टिकट लेकर फिल्म देखने आता है तो जाहिर सी बात है कि वो कम से कम इतने रुपए की कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न जरूर लेगा। और ऐसे में अगर मूवी हाउसफुल है तो मल्टीप्लेक्स और वहाँ स्टॉल्स लगाने वाली कंपनियों की तो चांदी चांदी होती है। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो हमारी भी यही सोच होती है कि हम जब फिल्म देखने आए हैं तो क्यों ना उसका पूरा मजा लिया जाए। और हमारी सोच भी ऐसे ही बन जाती है कि हम रोज कौन सा फिल्म देखने आते हैं तो हम महंगी कीमतों वाली चीजें भी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीप्लेक्स में मिलने वाली इन महंगी चीजों को खरीदना बंद कर दें तो ये स्टॉल्स अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, देश में धीरे धीरे सभी सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं, उनकी जगह मल्टीप्लेक्स थिएटर ले रहे हैं जहाँ पर खाने पीने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर हम थोड़े से अवेयर हो जाएं तो इन मल्टीप्लेक्स को अपनी महंगी चीजों की कीमतें मजबूरन कम करनी होगी, क्योंकि हर कोई इतना सक्षम नहीं होता है कि इतनी भारी भरकम रकम देकर अपना मनोरंजन पूरा करे। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि मल्टीप्लेक्स थिएटर में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों मिलती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।